हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको IIBF क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो के अंदर देंगे। तो आप अंत तक बने रहिए जिससे आपका IIBF से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हैं वो आपका सभी क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ जिससे हम इस वीडियो को अच्छे से ले जा सके। तो हम देखते हैं कि IIBF है वो क्या होता है। आपने सुना होगा कि IIBF होता है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, वो कोर्स है वो करवाता है। तो आज हम इस वीडियो में IIBF की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे। तो जो IIBF है उसका फुल नेम है वो क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है ये बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं वो करवाते हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा ये कोर्स है ये कोर्स करवाते हैं, इनकी ट्रेनिंग देते हैं और इनकी जो एग्ज़ाम है वो लेते हैं। तो एग्ज़ाम लेने के बाद जो क्लियर होते हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड है वो करवाया जाता है, और वो सर्टिफिकेट है वो आपको आगे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें हेल्प करता है। जो भी आप जॉब उससे रिलेटेड करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उस ट्रेनिंग के अंदर आपको बेसिक और एडवांस जो नॉलेज है इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाता है जिससे आप अपनी जॉब है उसमें भी उसको काम ले सकें और आपका जो डेली लाइफ है उसमें भी आप अच्छे से उसको यूज है वो कर सकें। तो ये सर्टिफिकेट हैं ये आपके लिए जॉब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी आप बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जाते हैं जो भी जिस रिलेटेड आप कोर्स करते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प है वो मिलती है। तो वॉट इज IIBF एग्जामिनेशन। तो IIBF एग्जामिनेशन क्या होता है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कंडक्टेड IIBF एग्जाम ट्वाइस ए ईयर इन जून एंड नवंबर। द एग्जाम ऑफ IIBF एम एट प्रोवाइडिंग एक्सीलेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय इन दियर प्रोफेशनल कैरियर्स। तो जो IIBF है वो एक साल के अंदर दो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाता है, एक तो जून के अंदर लेता है और एक नवंबर के अंदर। तो साल में दो बार इसका एग्जाम होता है और वो बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए जो एग्ज़ाम है वो करवाता है, प्रोफेशनल कैरियर के लिए जो एम्प्लॉय है उनको तैयार करता है। तो जो ये एग्ज़ाम है वो आपने देख लिया कि जून और नवंबर के अंदर होता है, जब भी इसका जो एग्जामिनेशन पीरियड आए वो आता है उसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है। IIBF साल के अंदर दो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है। दूसरा है वॉट इज IIBF एग्ज़ाम फीस। तो जो IIBF एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस क्या होती है, तो हाउ मच इज़ द IIBF एग्ज़ाम फीस। द IIBF एग्ज़ाम फीस फॉर जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसमें 2700 रुपये लेते हैं और जो सेकेंड अटेम्प्ट होता है उसमें 1300 रुपये लेते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिस फॉर्म में अगर आप खुद के बेस पे ये एग्ज़ाम करते हो तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 2700 और सेकंड अटेम्प्ट में 1300 रुपये देने होते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो ये फ़ीस थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट आपका फॉर्म है वो वगैरह है वो फिल करते हैं। तो थोड़े चार्जेज हैं, मिनिमम चार्जेस हैं वो इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी आपका IIBF का एग्ज़ाम दिलवा रही है तो फर्स्ट टाइम में आपका जो IIBF का एग्ज़ाम होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और अगर आप उस एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाते हो और सेकेंड बार आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको जो फीस लगेगी वो आपको पे करनी होगी। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए 2700 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और जो सेकंड अटेम्प्ट होगा उसमें 1300 फीस है वो रखी गई है। अब देखते हैं कि इसको इसके लिए कौन एलिजिबल है। तो हाउ डू आई क्वालिफाई फॉर IIBF एग्ज़ाम, हु इज एलिजिबल फॉर IIBF, ए बैचलर डिग्री और हायर इन एनी एरिया आर्ट्स साइंस इंजीनियरिंग कॉमर्स फ्रॉम ए UGC, जो भी UGC से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी होती है वो जो यूनिवर्सिटी है
उन्हीं यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो वैलिड होगी। स्टूडेंट्स हु आर इन दियर फाइनल ईयर ऑफ हाई स्कूल विल बी एलिजिबल टू टेक द एग्जाम। तो जो स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री कर लेते हैं, हायर एजुकेशन जिनके पास होती है, वैलिड डिग्री होती है यूजीसी से, सर्टिफाइड होती है यूनिवर्सिटी, यूजीसी यूनिवर्सिटी से, वो स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। IIBF का जो भी बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड एग्जाम होगा, आप उस एग्जाम को दे सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है, इज IIBF गवर्नमेंट और प्राइवेट? तो क्या IIBF गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उसके बारे में देखते हैं। NSO ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी IIBF इज मैनेज्ड बाई ए गवर्निंग काउंसिलिंग कंस्टिट्यूटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम RBI, SBI, IBA, मेजर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक, कॉरपोरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अकेडमियंस फ्रॉम IIT बॉम्बे। नेम ऑफ द कोर्स, ये जो कोलोबरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, सर्टिफाइड कंप्लाइंस प्रोफेशनल ICSI। तो जो IIBF है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ICSI द्वारा सर्टिफाइड है। 9002015 इसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी है IIBF सर्टिफाइड, जो इसके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखे हुए हैं। और ये जो कंपनी है गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है, और जो RBI, SBI, IBA जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, जो कॉरपोरेटिव बैंक होते हैं, जितने भी फाइनेंस के बैंक होते हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी एकेडमी होती है, वो इस सारे इसके इंक्लूड आती है, इसके अंदर है वो आते हैं, और वो इसको इसके जो विभाग पे हैं वो वर्क करते हैं। IIBF एक ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड एक कंपनी है, कोलेबरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। वॉट इज़ द पास मार्क्स ऑफ IIBF एग्जाम? तो एग्जाम को IIBF एग्जाम कितने मार्क्स के अंदर हम पास करते हैं? तो 100 एग्जाम, जो 100 नंबर है उसका पेपर होता है, और उस 100 में से हमें 50 जो मार्क्स है वो लानी होती है। अगर हमारे 49 भी मार्क्स होंगे तो भी हम इसको है वो फेल हो जाएंगे, और हमें 50% मार्क्स तो लाने ही होते हैं। तो वॉट इज़ द पासिंग मार्क्स फॉर IIBF एग्जाम? द मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग द सब्जेक्ट इन 50 आउट ऑफ 100, कैंडिडेट स्कोरिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विथ इन एग्रीगेट ऑफ 50 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन ए सिंगल अटेम्प्ट विल ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग कम्प्लीटेड द एग्जामिनेशन। तो जो भी स्टूडेंट इसमें पार्ट लेता है IIBF के एग्जाम में, उसमें उसको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 50% मार्क्स नहीं है तो वो उसको जो पास है वो नहीं माना जाएगा, और उसको सर्टिफिकेट भी है वो नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको डिप्लोमा डिग्री है वो नहीं मिलेगी। उसमें 50% मार्क्स आने के बाद ही, अगर 49 भी है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं माना जाएगा, आपको 50% मार्क्स है वो ज़रूरी होते हैं। तो IIBF के लिए ये जो 50% है ये आपको लाने ही होंगे। इन IIBF एग्जाम हेल्ड हार्ड? तो स्टूडेंट्स कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या ये एग्जाम हार्ड है? तो नोट एट ऑल, एज आई माई सेल्फ पास द एग्जामिनेशन, आई नो, मैंने ये एग्जाम दिया है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम में ही क्लियर किया है, और मैंने इतनी कोई भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने सिर्फ जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट ट्रेनिंग, एक भी जो क्लास है, एक भी ट्रेनिंग क्लास है वो मैंने मिस नहीं की थी, सबको मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, अच्छे से उसको जो क्लासेज है उनको अटेंड की थी, जो ट्रेनिंग में बताया गया था उसका रिवीजन किया था। बस फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम था तो मैंने उसको रेडी किया था, उसके अलावा मैंने कुछ भी अलग से तैयारी नहीं की। तो आप इसके लिए ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम हार्ड है, आपसे हो नहीं पाएगा, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है। आप ट्रेनिंग अच्छे से लीजिए, अगर ट्रेनिंग अच्छे से आपका नहीं हो पाता है तो इसकी जो बुक मॉक टेस्ट है उस आप प्रिपरेशन के लिए उनका सहारा है वो ले सकते हैं। आप IIBF की जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, आप उन नोट्स को कई बार पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कैसे की जाती है, और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, मॉक टेस्ट है वो भी रखे जाते हैं,
तो उन मॉक टेस्ट को आप बार बार दीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप इसकी टेंशन है वो मत लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो के अंदर IIBF की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर फिर भी आपको IIBF से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मैं हर कमेंट का रिप्लाई है वो देती हूँ। तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो आप IIBF की वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स है वो ज़रूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।